हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? होप सो बढ़िया होंगे। तो आज हम फिर से अपने गेम को करने वाले हैं कंटिन्यू, जिसका नाम है COC। आज का मैच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आज अपने टाउन हॉल से एक लेवल अप जाके दूसरे के टाउन हॉल में अटैक करने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले मेरे को सबसे ज्यादा जरूरी है कि मैं एक ठो बिल्डर हट को अपने आप में अपग्रेड करूँ, ताकि मेरे जितने भी अपग्रेड करने वाली चीजें हैं उसमें मैं लगा सकूँ। ठीक है, उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है। चलते हैं अपने वीडियो के गेमिंग स्क्रीन पर। ऑलराइट, तो आ गए अपन अपने गेमिंग स्क्रीन पर। तो यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि मेरे को पहले अपना गोल्ड डार्क एक्सायलर और एक्सायलर को कलेक्ट करना है, तो मैं कलेक्ट कर लिया हूँ। और पहले मैं सोच रहा हूँ कि किसी को एक और नए ट्रूप को अनलॉक करूँ। तो यहाँ पे मेरे को एक दिखा रहा है कि अगर मैं बैरक को अपग्रेड करता हूँ लेवल 11 पर, तो मेरे को एक तो बेबी ड्रैगन मिलेगा, और डार्क बैरक को अगर मैं अपग्रेड करता हूँ तो मेरे को मिलेगा गोलम। ठीक है, लेकिन दोनों के लिए मेरे पास एक्सेलर अभी है नहीं, लेकिन मेरे को एक्सेलर यहाँ पे है, मेरे पास है पहले का जो कलेक्ट का बचा हुआ था उसका मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। चलो यार, तो ऑलराइट मैं कलेक्ट कर लिया इसको, तो अब मैं लगा देता हूँ सबसे पहले तो किसी एक को अपग्रेड में, ताकि मैं एक प्लेयर बोल सकूँ। तो इसके अपग्रेड के लिए मांग रहे 26 लाख एक्सायलर, तो मेरे पास 26 लाख तो है नहीं, 25 लाख 40 हज़ार है। तो बेबी ड्रैगन वाला तो हो नहीं पाएगा, गोलम वाला देखते हैं। गोलम वाला हो जाएगा गाइस, इसमें 16 लाख मांग रहे हैं, तो गोलम को लगा देते हैं अपन अनलॉक करने के लिए। तो ये मेरे को मिल जाएगा दो दिन में गोलम अपने पास आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज और यार, मेरे पास जेम्स इकट्ठा हो गए 1020, तो मेरे को एक काम करना था सबसे पहले कि मेरे को ना एक बिल्डर हट को लगाना था अपने में, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम पर लगवा सकूं। तो यहाँ पे ये 1000 जेम्स मांग रहा है, तो इसको लगा देते हैं। ठीक है, आ गया क्या? कहाँ आया? ये रहा, इतने तो इतने छोटा सा रहता है ना ढूंढने में एकदम से, तो इसको लगा देता है यहाँ पे। तो मेरे पास हो गए हैं अब 4 मजदूर। ठीक है, तो जैसा कि मेरा टाउन हॉल लेवल 11 पे अपग्रेड हो चुका है, तो उसके बाद मेरे पास और भी बहुत सारे नए प्लेयर्स आए हुए हैं। तो मैं पहले ये देख लेता कि कौन कौन से प्लेयर को मैं अनलॉक कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ट्रैप में दिखा रहा है 18 लाख का है ये टॉर्नेडो ट्रैप, तो इसको लगा लेते हैं अपन। ये तो ज़्यादा जगह खा ही नहीं रहा है, तो इसको यहाँ डाल दिया भाई टॉर्नेडो ट्रैप को। पता नहीं क्या काम करने वाला है ये। इसका इन्फो देखा जाए तो टाउन हॉल के पास जैसे, अच्छा यार इसके रेंज में अगर कोई ट्रूप आया ना तो वो उसके आसपास में घूमता रह जाएगा कुछ समय के लिए, ये उसका बेनिफिट है। ठीक है, उसके बाद और देख लेते हैं अपने पास क्या प्लेयर है। डिफेंस में तो इतने सही, क्या चीज़ है, ईगल आर्टिलरी, अरे हाँ ठीक, ईगल आल्ट्री, ये बहुत खतरनाक चीज है। लेकिन उसके पहले अपने को और भी बहुत सारी चीजें अनलॉक करना पड़ेगा। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है रिसोर्सेस में। तो अपने पास एक और बिल्डर हट दिखा रहे हैं, जिसके लिए 2000 लगेगा अपने को जेम्स, इसको इकट्ठा करने में तो फिर फुर्सत है। और आर्मी में दिखा रहा है ग्रैंड वार्डन जो ओपन हो चुका है, उसको लेने के लिए मेरे को 10 लाख लगेंगे एक्सायलर। खैर ठीक है, उसको करेंगे बाद में, पहले फिलहाल यहाँ पे और क्या चीज़ें हैं पहले पे बचे हुए चीज़ों को कर लेते हैं। जैसे कि ये हो गया वॉल, तो पहले वॉल को फटाक से मैं डाल लेता हूँ पूरा का पूरा, 25 वॉल मिले होंगे। हो गया, चलो यार वॉल जितने मिले को मिलेगा, पूरे वॉल ओपन कर दिया। और क्या है मेरे पास, 10 सेकंड लगेगा एक ठो कैनन आ जाएगा, तो एक ठो कैनन को भी पहले कहीं पे भी लगा देता हूँ, बाद में उसको सेट करते रहूँगा। तो यहाँ पे कैनन को लगा देता हूँ, तो ये 10 सेकंड लगेगा, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा फिर और क्या है अपने पास, आर्चर टावर 1 मिनट लगेगा इसको आने में, तो आर्चर टावर को यहीं पर लगा देता हूँ जहाँ पर वो दिखा रहा है। एक आर्चर टावर भी लग गया, और क्या है अब अपने पास आने के लिए, विजार्ड टावर के लिए 1,20,000 लगेगा, तो 1,20,000 है मेरे पास। ठीक, तो विजार्ड टावर को लगा देता हूँ मैं इस कोने में, बाद में उसको कवर करते रहेंगे जैसा भी है।
उसका हिसाब किताब देख लेंगे। ठीक, तो ये हो गया। अब बच गया है मेरे पास ग्रैंड वार्डन, इसके लिए 10 लाख चाहिए। तो मेरा स्टोरेज 10, अरे हो जाएगा यार, इसको कलेक्ट करूँ तो नहीं है यार, इसमें ख़त्म हो गया मेरा एग्जाइलर कलेक्ट वाला। ठीक, 60 लाख चाहिए मेरे को ईगल आर्टिलरी के लिए। 60 लाख मेरा कैपेसिटी कितना है अभी गोल्ड रखने का? 57 लाख। तो मेरे को ईगल आर्टिलरी रखने के लिए सबसे पहले तो मेरे को गोल्ड स्टोरेज अपना बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए इसको अगर मैं करूँ, एक गोल्ड स्टोरेज है 12 लेवल पर, उसको 13वां पे लेके जाऊँ तो उसके लिए मेरे को 18 लाख चलेगा। तो मेरे पास है नहीं 18 लाख, तो हो नहीं पाएगा। सबसे पहले तो अपनी जो रानी है इसको अपग्रेड पर लगाते हैं यार। तो ये रानी अपनी लग गई है ठोक अपनी अपग्रेड पे, तो ये चले जाएगी सोने, इसको सोने दो, आराम करने दो। ठीक है, अरे हाँ एक चीज़ और याद आया मेरे को कि लेबोरेटरी से अपने को एक काम करने का है कि हॉग राइडर को अपने को लगाना है अपग्रेड पे। ठीक है, तो ये लेवल 4 तक है, ये इसको लेवल 5वें पे पहुँचाना है। तो इसको मैं लेवल 5वें पे लगवा दिया हूँ। ये मेरे को 1 दिन और 6 घंटे बाद अपग्रेड होके मिल जाएगा, यानी परसों मिलेगा मेरे को। यार जेम बॉक्स एक टुक दिखा यार, जेम बॉक्स कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से अपने को 25 जेम्स मिल जाएंगे, 2000 में से 25 जेम्स अभी मिलेंगे, और 20 है तो 45 होगा, फुर्सत है अभी। ठीक, और तो मेरे पास आर्चर टावर भी लग गया, कैनन भी लग गया। अब आगे मेरे को एक और क्या चीज़ मैं लगा सकता हूँ? कुछ भी नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना ना ही गोल्ड है ना ही उतना एक्साइलर है। तो क्या किया जाए? मैं चारों बिल्डर हट लग कहाँ पे गए हैं जी? एक विजार्ड टावर में गया, एक डार्क बैरक में गया, एक आर्चर क्वीन में गया। अच्छा ठीक, एक खाली है, तो इसको लगाऊंगा मैं गोल्ड स्टोरेज में। इसमें तो पैसा ही नहीं है मेरे पास, इसको लगा देते हैं। कितना पड़ेगा? 6000 पड़ेगा। और कोई है क्या मेरे पास गोल्ड स्टोरेज? ये इसको भी 18 लाख मांग रहा है। चलो ठीक है यार, फिलहाल इसी को लगाता हूँ अपग्रेड में। कितने देर में अपग्रेड हो जाएगा इसको? 1 घंटा लगेगा अपग्रेड होने में। तब तक के लिए अपन और पैसा इकट्ठा कर लेते हैं यार, ठीक है, ताकि मैं एक नया प्लेयर अनलॉक कर सकूँ। और दूसरा तो ये गोल्ड स्टोरेज को मैं बढ़ा सकूँ, ताकि मैं जो भी बचे हुए प्लेयर्स है उसको ओपन कर सकूँ। ठीक, तो चलो चलते हैं अब अपने अटैक की ओर। तो यार यहाँ पे अटैक में दिखा रहा है 5 स्टार, जिसमें से 2 स्टार मैं कलेक्ट कर चुका हूँ, और बाकी के मेरे को 3 स्टार और कलेक्ट करने को है। ठीक है, तो चलो चलते करते हैं अब अटैक। तो देखते हैं कौन है अपने लेवल का। तो यार यहाँ पे दिखा रहा है टाउन हॉल, ये 12वां नंबर है क्या? यहाँ हो पाएगा क्या? अरे लेकिन गोल्ड है नहीं, नहीं लूट बहुत कम है यहाँ पर, नहीं हो पाएगा। यहाँ दिखा रहा है यार लूट 5 लाख का। ऑलराइट, तो एक काम करते हैं अपन। शिट यार, मेरे से गलती एक तो ये हो गई है कि मैं एक भी स्पेल को अपग्रेड नहीं किया, मतलब वो नहीं किया हूँ, लिया नहीं हूँ अटैक करने के लिए। इस चीज़ को नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगा। तो एक काम करते हैं, अभी वल्कैरी को अपन छोड़ते हैं एक कॉर्नर से। अरे पैक्का तो है यार अपने पास, वो भी लेवल 6वें का, तो पैक्का है कि यहाँ डालते हैं, यहाँ डालते हैं। ठीक, यहाँ पे वल्कैरी जाएगी, यहाँ पे डाल देता हूँ। राजा को अभी नहीं छोड़ूंगा, तो पहले हॉग राइडर को डालता हूँ, और यहाँ से वल्कैरी, हॉग राइडर उन लोग को निपटाएगा, वल्कैरी इसको निपटाएगा। ठीक, अरे यार यहाँ पे क्वीन थी, क्वीन पे मेरा ध्यान ही नहीं गया, उड़ा दी सबको। खैर ठीक है, यहाँ यहाँ पे भेज देते हैं। नेटवर्क इशू क्यों हो रहा है यार? बार बार वाईफाई का सिग्नल दिखा रहा है। खैर
खैर ठीक है यार, लूट तो आगे भले मतलब अटैक में 31% ही कर पाए हूँ, लेकिन मेरे पास लूट अच्छा खासा आ गया है, लगभग 2.5 लाख का लूट आ गया है। अब एक काम क्या करता हूँ मैं, 3 वेल कैरी और यहाँ डाल देता हूँ। मैं राजा को इसमें नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मेरे पास अभी स्पेल वगैरह भी नहीं है, लेकिन लूट मेरे को अच्छा खासा मिल गया, काफ़ी अच्छा खासा लूट मिल गया, काफ़ी अच्छा से यहाँ से मैं छोड़ दूंगा, भले मेरा ट्रॉफी थोड़ा सा लॉस होगा ट्रॉफी का, लेकिन हाँ जो लूट अच्छा खासा मेरे को मिल गया है तो यहाँ पे अब मैं सरेंडर कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे को मिला है 3,30,000 का गोल्ड और 3,53,000 रुपये एक्जाइलर। मेरा डार्क एक्जाइलर तो वेस्ट चला गया क्योंकि मेरा वैसे ही ऑलरेडी फुल है। ठीक, तो यार काफ़ी पैसा मैं इस मैच में इकट्ठा कर चुका हूँ। चलो अब अगला ट्रूप्स और बना लेते हैं, इसमें मैं लेके जाऊंगा 4 पैक का और वेलकैरी ले लेता हूँ, मैं 8 वेलकैरी ले लेता हूँ, हॉग राइडर नहीं लूंगा। और क्या है मेरे पास, बस वेलकैरी कम कर देता हूँ यार, वेलकैरी कम करके हॉग राइडर ले लेता हूँ। अरे यार स्पेल ध्यान से लेना है, तो मेरे को ले लेता हूँ मैं ये रेज स्पेल 2 टुक ले लेता हूँ, 3 का स्पेस बचा हुआ है उसमें मैं ले लेता हूँ पॉइजन, लू क्या 2 पॉइजन ले लेता हूँ, नहीं 3 रेज स्पेल लूँगा और 1 पॉइजन लूँगा, जगह भर गया। ठीक है, तो 3 रेज स्पेल और 1 पॉइजन अगले मैच के लिए। तो यार जब तक प्लेयर बन रहे हैं तब तक के लिए तो अपन आगे और कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, हो सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।